हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जी फाइव पर रिलीज हुई एक नई मूवी जिसका नाम है कागज। मूवी की ओवरऑल लेंथ सिर्फ 1 घंटे 50 मिनट की, हालांकि 49 मिनट्स की है। और इसे प्रोड्यूस किया है सलमान खान ने, और इसे लिखा है और डायरेक्ट किया सतीश कौशिक सर ने। अब सलमान खान का नाम इन्हें इसीलिए लिया क्योंकि यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने सलमान खान के नाम से बहुत ज़्यादा व्यूज़ कमाए, पैसे कमाए, जिनको लेना देना कुछ है नहीं किसी भी चीज़ों से, बस उनको लोगों को चूतिया बनाने, क्योंकि हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि ईजिली किसी को भी चूतिया बनाया जा सकता है, लेकिन बनाना आना चाहिए। तो उनमें वो स्किल्स है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो लोग फ्रॉड कर रहे, वो लोग के अंदर एक अलग तरह का टैलेंट है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सीपी नहीं बनाऊँगा, बस आपको ऑनेस्टली ये बताऊँगा कि ये मूवी देखकर मुझे कैसा लगा और आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए और क्यों नहीं देखना चाहिए। तो यार इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे तो यार डिसलाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगे तो यार व्हाट्सएप पर शेयर कर देना। तो यार बस अब ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। बात करेंगे कागज मूवी की, तो ये एक बायोग्राफिकल मूवी है, यानी कि इस मूवी में जो जो चीजें बताई है वो रियल लाइफ में लाल बिहारी के साथ हो चुकी है, उसी पर उन लोगों ने एक फिक्शनल कहानी बताई है। खैर अब बात करेंगे इस मूवी के प्लॉट की, जो कि शुरू होता है 1977 अमोली विलेज डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर हमें नज़र आते हैं भरत लाल जो कि एक बैंड वाले हैं। अब इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा जा रहा है, एक बीवी भी है, एक बेटा भी है, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब भरत लाल डिसाइड करते हैं कि एक बड़ी दुकान लेने का, या कह सकते हो शॉप लेने का। अब दुकान लेने के लिए इनको लेना पड़ेगा लोन, तो लोन के लिए ये जाते हैं बैंक। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। अब बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो भाई एक ही चीज़ बोलूँगा कि इस मूवी के थ्रू सिस्टम को एक ज़बरदस्त तमाचा देने की कोशिश की गई है। और अगर आप लोग भी मेरी तरह इंडिया में रहते हो और आपको रहते हुए भी ये चीज़ नहीं बताओ कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जीते जी डेड डिक्लेयर कर दिया, तो यार उन लोगों को तो ये मूवी सबसे पहली देखनी चाहिए, जैसे कि मैंने देख लिया। मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से इस मूवी में लिखा है। इनफैक्ट ऐसा लिखा है कि आप लोग ईजिली उनको देख कर कनेक्ट हो जाओगे, स्पेशली भरत लाल के कैरेक्टर्स। मूवी की सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी लगी, सिर्फ 2 घंटे के अंदर उन्होंने काफ़ी इवेंट्स को कवर किया, यानी कि लाल बिहारी की लाइफ में जो जो चीज़ें हुई थी इस दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान, तो वो सारी चीज़ों को उन्होंने कवर करने की कोशिश की। स्क्रीन पे काफ़ी फास्ट है, तो इस वजह से आपको 1 सेकंड के लिए भी मूवी में बोर होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ सकती है। जो लोग थोड़ा डीपली में जानने की कोशिश करेंगे तो उनको इतना ही बोलूंगा कि भाई 2 घंटे की मूवी में उन लोगों ने इतनी सारी चीज़ें बताई है वो बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि चीज़ों को बहुत ही फास्टली बताया, लेकिन मेरे हिसाब से तो सब कुछ अच्छा ही था। उसके अलावा मूवी का बीजीएम बहुत अच्छा लगा, जो कुछ सॉन्ग्स थे इसके, सॉन्ग्स की जो लिरिक्स है वो बहुत अच्छी है, और उदित नारायण और अलका याग्निक का सॉन्ग सुन के बहुत अच्छा लगा, और सिचुएशनल सॉन्ग है, यानी कि उस सिचुएशन पे वो सॉन्ग बहुत अच्छी तरह से जा रहा था। क्योंकि अगर डायलॉग्स की बात करूँ तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि समझदार को इशारा काफ़ी है। अगर आप लोग डायलॉग्स बहुत गौर से सुनोगे तो आप लोग समझ जाओगे कि ये लोग किस तरफ जा रहे हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो यार मोनल गुज्जर, उन्होंने अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, यानी कि पंकज त्रिपाठी सर के बाद अगर किसी एक्टर का परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा तो वो है मोनल गुज्जर, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका परफॉर्मेंस। एज यूजल पंकज त्रिपाठी सर को तो यार किसी भी रोल में डाल दो वो तो छा जाते हैं, और अभी उनका वक्त चल रहा है तो उन्होंने इस मूवी में पूरी जान लगा दी, और आपको ऐसा ऐसा फील आता है कि हम वाकई में भरत लाल को देख रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि हम पंकज त्रिपाठी को देख रहे हैं। सतीश कौशिक सर का परफॉर्मेंस भी एज यूजल अच्छा था, और जितने दूसरे भी सपोर्टिंग एक्टर थे सब लोग ने अपने सिख रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा मुझे, और जिस तरह से नरेशन सतीश कौशिक सर की वॉइस में था वो नरेशन सुन के भी बहुत अच्छा लगा, और साथ ही सलमान खान का भी वॉइस ओवर आपको सुनने को मिलता है, लेकिन उसकी कोई खास जरूरत थी नहीं। ओवरऑल मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, इसमें कुछ भी एडल्ट सीन है नहीं, ना ही आपको ज़्यादा बैड वर्ड सुनने को मिलेगा, बस आपको थोड़ी बहुत सिचुएशनल कॉमेडी देखने को मिलेगी, और हमारे सिस्टम में जो जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये मूवी को मैं रेटिंग दूंगा 8.5 out of 10, 1.5 मार्क्स सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ें थोड़ी बहुत मुझे फास्ट पेस लगी। हालांकि 2 घंटे की मूवी में वो लोग इतनी सारी चीज़ें दिखा दे वही अपने आप में बड़ी बात है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तिलदन वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर दो, नहीं अच्छा लगा तो यार बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी दुआ में याद रखना, बाय।